गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.5। तो हमारे पास 3.5 में जो क्वेश्चन रहता है फिफ्थ, वो क्वेश्चन हमने पहले राइट कर लिया यार, उसका सॉल्यूशन था। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिक्वायर्ड बाई 9 स्क्वेयर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, द ब्रेड इज इंक्रीज by 3 unit if we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit. The area increased by 67 unit, find the dimension of rectangle. तो हमने length को x, breadth को y, area xy मान लें। जो first line है उसमें लिखा है और reduce करता है पहले 5 unit, length को reduce किया 5 unit और breadth को increase किया 3 unit. हमने लेंथ से माइनस किया, ब्रेड से प्लस किया, एरिया को उसने रिड्यूस कर दिया 9। रिड्यूस होता है कम करना, मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल, तो आ गया एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये से एज इट इज 9 प्लस 15 किया तो माइनस का था 6 बचा, तो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाला टाइप हमारा सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसमें लिखा है नेक्स्ट लाइन में इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट। अब दोनों ही बढ़ाने हैं हमें, लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए था। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें वो बढ़ाना है, एक बार 3 यूनिट, एक बार बढ़ाना है वो 2 यूनिट, और जो एरिया है वो बढ़ाना है 67। जैसे ही हम एरिया को 67 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, 2x प्लस 3y माइनस का 61 इक्वल्स टू 0, माइनस का 61 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, हमें अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लिया, तो x की वैल्यूज आगे मल्टीप्लाई करके राइट कर ली है मैंने, अब तो a प्लस में आया तो इनका प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस, इसको प्लस किया 19, इसको प्लस किया 171, इसको प्लस किया 223। फर्स्ट एंड लास्ट कंपेयर किया, 19 की टेबल से घटता है और ये भी 19 की टेबल से, 99 जा करके ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड। थैंक यू।